आप सभी को रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? और आज का दिन शनिवार का, सैटरडे का, और हम निकले राइड पे। और छुट्टियां थी, काफ़ी छुट्टी एक साथ आ रही थी, तो मैंने कहा चलो घूम के आते हैं और आप लोगों को भी घुमाते हैं। तो मैं निकल गया हूँ आज राइड पे काफ़ी समय बाद, और निकल रहा हूँ यहाँ से राजस्थान की तरफ। तो कुछ प्लानिंग बनी है राजस्थान की, राजस्थान को कुछ मुख्य जगह है, राजस्थान की पॉपुलर प्लेसेस हैं, उनको एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। कुछ भाई लोग मिलने वाले हैं हमें आगे, उनसे भी मिलेंगे, उनको भी अपने साथ ले चलेंगे। तो इस वीकेंड को एंजॉय करके आते हैं, और जुड़े रहिए वीडियो के साथ और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। कम ऑन, क्या है? अरे झंडे ही झंडे भाई साहब, पूरे में झंडे ही झंडे। वो तेरी बहुत लंबी लाइन लग रही है, बहुत दूर तक हर तरीके के झंडे बाइक के लिए। 15 अगस्त जोरों शोरों पे फुल तैयारी के साथ। ये इतनी बड़ी मार्केट तो झंडे की मैंने कहीं भी नहीं देखी दिल्ली में। बहुत दूर तक है झंडे ही झंडे, झंडे ही झंडे। जाम लग गया गाड़ियों का झंडे लगाने के लिए। चलो भैया चलो, कितने लेंगे? इधर से लेता हूँ। तो बड़े बड़े झंडे हैं तो गाड़ियों के लायक है, बाइक पे तो लगेंगे भी नहीं है। चलो चलो चलो, वो बहुत दूर तक है झंडे ही झंडे। जयपुर 222, धूप आ रही है, फिर बादल आ रहे हैं, फिर धूप, फिर बादल, धूप छाओ। और खाटू श्याम के भी यात्री निकले हुए हैं यहाँ पे, देखिए पैदल पैदल जा रहे हैं यहीं से ही हाईवे पे। देखो ये जा रहे लोग पैदल पैदल खाटू श्याम के लिए निकल रखे हैं ये। और बहुत लंबा सफ़र तय करेंगे। ये देखो गाड़ी जा रही है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, कुछ यात्री ये जा रहे हैं। सोचिए हम तो मोटरसाइकिल पे हैं, ये डेढ़ 200 किलोमीटर पैदल चलेंगे यहाँ से खाटू श्याम के लिए। हिम्मत है भाई साहब इन लोगों की, पैदल पैदल जा रहे हैं यहाँ से, और कुछ लोग तो नंगे पैर हैं बिल्कुल ही। मज़ा आ जाता है इस समय वाशन के। एक तो सावन के सीज़न में कांवड़ के टाइम पे, और कुछ इस तरीके का देख के दिल खुश हो जाता है। हम छाँव में चल रहे हैं और आगे धूप चल रही है, देखो बादल बादल हमारे ऊपर है, और ये देखो थोड़ी आगे धूप, तो बादलों के नीचे चला जा रहा हूँ, अभी क्रॉस करता हूँ बादल को देखो। ये आया मैं धूप में, हमारी डायरेक्शन में चल रहे सारे बादल, ये फिर से बादल। भैया अभी हम पहुँच गए नीमराणा, और वो जो आप सामने पहाड़ों की श्रृंखला देख रहे हैं, पहाड़ देख रहे हैं सामने, उस पहाड़ के पीछे की तरफ एक बावड़ी है, और नीमराणा बावड़ी है वो। तो अभी उस बावड़ी पे चल रहे हैं हम, उसे एक्सप्लोर करके आएंगे। लास्ट टाइम जब मैं खाटू श्याम आया था इस वाले रूट पे, तो ये पहाड़ सूखा था बिल्कुल। अब देखो बारिश के टाइम पे बिल्कुल हरा हो गया ये पहाड़। ये अभी हम मेन नीमराणा में, नीमराणा शहर है मेन। चलिए यहीं से निकलते थे, बावड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। रोडों की हालत चरमराई हुई है बिल्कुल ही, रोड हालत खराब हो रखी है। अभी हम थोड़ा गलत आ गए, वो सामने आप देख सकते हैं नीमराणा किला, वो रहा पहाड़ के इधर की तरफ थोड़ी नीचे, और हमें उस वाले रोड पे जाना है, उस वाले पे। चलो बावड़ी नीमराणा बोर्ड के आगे भी झाड़ फूल का उड़ गई है, उग गई है। ये है बावड़ी, लोग तो रखे काफ़ी। चलो बाइक लगाते हैं, हम भी चलते हैं नीचे। यस,
तो मैं पहुंच गया नीमराणा बावड़ी के बाहर। ये देखो नीचे है और सामने पहाड़ है और नीचे बावड़ी है। मैं नीचे ले चल रहा हूँ आपको बावड़ी में। बावड़ी ज़्यादातर बावड़ियों का सेम डिज़ाइन होता है, देखो वैसा ही है जैसे रानी की वाव में था या अडालज की स्टाइप, अडालज की वाव में दिखाया था मैंने आपको, सेम वैसी ही है। देखो एक तोता बैठा बहुत प्यारा सा, ये देखो काफ़ी सीढ़ी उतर के आया हूँ मैं, काफ़ी नीचे तक आ गया हूँ। ये देखो ये बावड़ी है, आज भी इसमें पानी है, पानी मौजूद है। नीचे देखो गंदा पानी है लेकिन पानी है। मैं आपको बता दूँ ये बावड़ी पुराने समय में पानी निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, गांव-गांव के एक जैसे कुएँ होते हैं उसी तरीके की रहती हैं, और राजस्थान में राजस्थान साइड में सबसे ज़्यादा है बावड़ी। ये देखो चलो आगे चल के दिखाता हूँ ये बावड़ी को मैं आपको। बारिश पड़ने लगी हल्की हल्की। ओ भाई खड़े नीचे आ जाओ, हाँ ऊपर आ जाओ जल्दी से, बारिश होने लग गई। हाँ आ जाओ, चलो मैं और आगे ले जाता हूँ आपको। ये देखो ये दोस्तों यहाँ से गहराई निकल गए नीमराणा फोर्ट से बाहर, और सामने एक गाड़ी देखो राजस्थानी गाड़ी। चलो आगे ले, पुराने ज़माने की राजा महाराजा वाली। इनके 3 बज गए और भूख लगी बहुत तेज की, तो लस्सी मंगा ली है, बड़े बड़े ग्लास है, देखो कितना बड़ा ग्लास। और ये हमारे परौंठे, ये घर से पैक करके लाए थे, और तीसरा अचार। चलिए लंच करते हैं। जैसा सोचा था वैसे ही हुआ, बारिश हो गई है बहुत तगड़ी। देखो पूरे हाईवे पर बारिश कम और गाड़ियों के छींटे ज़्यादा, इसलिए हमें एक जगह रुकना पड़ा है। मौसम तो ऐसा अच्छा हो गया, लेकिन चलो वेट करते हैं रुकने का और चलते हैं आगे। एक फैमिली सी दिखी है चलते हुए आ रहे बेचारे, शायद तेल ख़त्म हो गया इनका, इसलिए मैंने मोटरसाइकिल रोक ली। मैंने कहा तेल दे देंगे, इस हाईवे पे तो कहीं तेल वेल भी नहीं होगा। तेल ख़त्म हो गया क्या? तेल ख़त्म नहीं हुआ, कोई और दिक्कत है। चलो मैंने रोकी थी, मैंने कहा तेल ख़त्म हुआ होगा तो तेल तो दे देंगे हम, बस कोई और दिक्कत हो गई। जयपुर शहर में पहुँच गए, मेन जयपुर शहर में। बारिश पड़ गई, लगता है रेनकोट पहनना पड़ेगा। ये है मेरा रेनकोट, अब मैं इसको अगर पहन लूँ तो ये साला पैक होगा नहीं फिर से ऐसा। इसको क्या है, ऐसी मोड़ तोड़ के रखना पड़ेगा फिर, और जब पूरी तय ऐसी बनाओगे इसको पहन लेते हैं। चलो भाई फिर बोल रहे हो तो भाई। जयपुर और अजमेर होते हुए हम पहुंच गए ब्यावर, और यहाँ पे हमने एक रूम ले लिया है। ये मैंने रूम लिया है, और ये नेशनल हाईवे 8 के जस्ट सामने, ये देखो रहा, मतलब हाईवे पे इसलिए ले लिया ताकि इधर उधर ना जाना पड़े। काफ़ी अभी रात हो गई थी तो अभी हमने स्टे कर लिया है, और कल सुबह सुबह हम यहाँ से निकलेंगे। थोड़ा प्लान आज का बारिश ने थोड़ा ख़राब कर दिया था, हमें स्टे करना पड़ा, एक घंटा डेढ़ घंटा बीच सफ़र में रुकना पड़ा, और पूरे कपड़े भी ख़राब हो गए थे, गीले हो गए हम बहुत ज़्यादा, जूते होते पूरे गीले, कपड़े गीले, कपड़े तो चलो चेंज हो जाए बट जूते गीले हो रखे और वो सूखेंगे नहीं। ये देखो बिल्कुल ही गीले हो गए। चाय भी आ गई है कुल्हड़ वाली अपनी, लो भाई चाय। ले आओ भाई, ओके सुबह देते हैं। चलो कुल्हड़ वाली चाय आ गई है, पीते हैं। आहा अदरक वाली गर्मा गर्म। इस होटल में रुके हुए हैं, यहीं नीचे ढाबा भी है, रेस्टोरेंट है, और 24 घंटे ओपन है, तो सुबह सुबह ही हम नाश्ता करेंगे यहाँ पे और यहीं से निकल लेंगे सामने हाईवे से ही। तो अभी ब्लॉग को मैं एंड कर रहा हूँ यहीं पे, और कल मिलूँगा आपसे कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।